कुछ दिन पहले मैं मुल्तान गया था। मुल्तान हमारी मीटिंग थी। मैं एक फार्मा से हूँ तो हमारी मंथली एक मीटिंग होती है। ये अपनी जगह बात ठीक है, लेकिन ड्यूरिंग मीटिंग मैं व्लॉग करना भूल गया, ये थोड़ा प्रॉब्लम है। अगर आपको बखे से मुल्तान जाना हो तो हर नॉर्मल बंदा यही सोचेगा कि अपनी कन्वेंस पे चलते हैं या फिर इसी टाइम पे चलते हैं। लेकिन तुम्हारे भाई को जलील होने का बहुत शौक है। रात को 1 बजे उठकर ठंडे पानी से नहाना, उसके बाद कपड़े प्रेस करना, अगर वो कपड़े पसंद आए तो दोबारा प्रेस करना, ये थोड़ा प्रॉब्लम है। इसके बाद रात को 2:30 पर ट्रेन के वेट में स्टेशन पर खड़े होकर बुड्ढों को अपने खूबसूरत जिस्म को ताड़ते देखना, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इसके बाद गाड़ी में घुस मुस कर बैठना, ये भी थोड़ा प्रॉब्लम। खैर, 5 घंटे लगातार सफ़र करके एक ही सिचुएशन में बैठना और 2-3 चेहरों को मुसलसल देखना, ये भी थोड़ा प्रॉब्लम है। और फिर सनसेट के वक्त आपकी आँख खुले और आप एक राइटर भी हों और आपके सामने खूबसूरत सूरज हो, तो बताओ अंदर से अल्फाज तो आएंगे ना, है ना भाई? महबूब के साथ बीता एक लम्हा भी इंसान कभी नहीं भूल सकता। मुझे उसके साथ गुजारे हर लम्हे की एक एक बात लफ्ज पा लफ्ज याद। मेरी किस बात पर वो मुस्कुराई, मेरी किस बात पर वो खफा हुई, मेरे किस सवाल का उसने जवाब दिया और किस किस सवाल ने उसे खामोश कर दिया, मुझे सब याद। मुझे याद है जब मैंने उसका हाथ थामा था और मुझे उसका बेरुखी से हाथ छुड़ाना भी याद है। मुझे याद है उसका बुलाना, लेकिन मुझे उसका भूल जाना भी याद है। मुझे याद है बदकिस्मती से सब याद। भाई की आदत है कि तुम्हारे भाई के पास कोई काम तो होता नहीं तो टाइम से पहले पहुंच जाना एक मामूल सा है। टाइम से इतना पहले कि बंदा मुल्तान से बखर चला जाए, ये भी थोड़ा प्रॉब्लम है। जब आपके पास 4 घंटे हों और आप पाकिस्तान के खूबसूरत शहर मुल्तान में हों, तो मुझे बताओ क्या आप फोन ही नहीं करोगे? मेरे पास ना यार टाइम नहीं है बिल्कुल भी। मैं मीटिंग से चोरी चुपके आया हूँ। मेरी मीटिंग है 9 बजे, अब 8:30 हो रहे हैं, तो मुझे पता है कि यार मैंने दूर जाना है, तो मैं निकल रहा हूँ। मैं अंदर भी नहीं गया तो बॉय के शॉर्ट्स लेके, ड्रोन शॉर्ट्स लेके मैंने ओके कर दी ये सब चीज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।